السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطهيرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معه مجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم

असला अकायद अमाल पर जो सीरीज़ का आगाज़ किया गया अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हर इतवार को अकीदे के साथ साथ असला का मौजू भी रखा जा रहा है आज के इस नशिस्त में हम जो है गुफ्तु करेंगे वाक़ कुर्बानी का क्या पैगाम है इस वाक़ कुर्बानी का उसकी अहमियत उसकी फजीलत अपनी जगह पर है लेकिन इस वाक़ कुर्बानी से क्या पैगाम उमत मोहम्मदिया को अता किया गया इस पैगाम को समझना आज हमारे लिए ज़रूरी है कुरानी मजीद की जिस आयत मुबारक को मैंने खुदब मसनूना में तिलावत का शर्फ हासिल किया जिसमें रब्बुल रबालमीन ला ने एर्शाद फरमाया कि व इज़ब तला इब्राहिमा रबली तिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ने फरमाया हमने इब्राहिम को आजमाया बहुत सी बातों में अल्लाह ने फरमाया बहुत सी बातों में हमने हज़रत इब्राहिम को आजमाया वह तला इब्राहिमा रबिकली बिकलिमातिन आत्म अल्लाह ने फरमाया हमने इब्राहिम को बहुत सी बातों में आजमाया अल्लाह ने आगे फरमाया फ कि वो हर आजमाइश में मीर पे उतरे कामयाब हो गए इब्राहिम अल्लाह आलमीन ने शाह फरमाया कि नासी मामा इब्राहिम हम तुमको कुल कायनात इंसानी का इमाम बना देते हैं अब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के बारगाह में शाह फरमाया क्या मेरी ज़ुर्रियत में भी इमामत अता फरमाएगा आलमीन ने फरमाया हाँ अल्लाह रब्लम ने हज़रत इब्राहीम के मुतल फरमाया कि हमने इब्राहीम को आजमाया बहुत सी बातों में आजमाया बहुत सी बातों में वो हर आजमाइश में मीर पे उतरे कामिल उतरे इब्राहीम आइए मज़स नाजरीन सामीन मोहरम हज़रत इब्राहीम सलात की अगर जिंदगी को देखा जाए क्योंकि वाक़ क़ुरबानी को ये जो वाक़ा हुआ है इस कुरबानी के वाकए से पहले इब्राहीमत की जिंदगी का अगर जायजा ले लिया जाए इब्राहिम की सीरत को अगर पढ़ लिया जाए आपकी दौर नमरूद का क्या था भी थी। उस वक्त रबालमीन ने उस भटकीबी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह रबी ने सईदा इब्राहिम खलील को इस दुनिया में भेजा और उस वक्त आप तशरीफ लाए जबकि कुफर और शिरक जलालत वही का दौर दौरा था अल्लाह रबीन ने कहा कि उस दौर में अपने महबूब और मुकर हजरत इब्राहिम कलीलुल्लाह को रोए जमीन पर भेजा ताकि कुफर और शिर का खात्मा हो जलालत गुमराही का खात्मा हो तोहीद का परचम बुलंद हो इंसानियत को हिदायत फरमा दी जाए अल्लाह रब्लम ला ने इसके लिए सईद इब्राहिम खलीलुल्ला सलातम को इस दुनिया में भेजा हज़रत इब्राहिम जो तशरीफ़ लाए तो उस वक्त क्या हालात थी जमीन पर उस वक्त नमरूद का क्या मामला था इंसानियत के अंदर जो गुमराहियत थी जो जलालत गुमराहियत में थे कुफर शिरक में थे बुतों की परस्तिश किया करते थे आपकी विलादत उस वक्त में हुई जब आपने तोहद का परचम लहराया उस आजमाइशात आप पर यह भी आए कि आपको आग में भी डाला गया हज़रत इब्राहिम को वह तमाम तर वाक़्यात आप और हमने बारह मरतबा इसको पढ़ा भी है सुना भी है आपने हक के लिए आपने अपने आप को आग में डालने के लिए इब्राहिम तैयार हैं और जिस वक्त आपको आग में डाला भी गया इसलिए कि आपने तोहीद के परचम को तोहद के नारे को आपने बुलंद फरमाया नमरूद के खिलाफ खड़े हो गए उस वक्त में नमरूद के दरबार में कलीमा हक को बयान करना ये कोई मामूली बात नहीं थी आपने अपने अंजाम की फिक्र का कोई ख्याल ना किया कि मेरे साथ क्या होगा लेकिन इब्राहिम खलील आलम ने हक का नारा बुलंद फरमाया तो ईद को बारी ताला के वहदानियत को आपने अल्लाह के एक होने को उस दावत को आपने लोगों के सामने रखा नवरूद के सामने रखा बताना ये मकसूद है कि इसके बाद आपको आग में भी डाला गया हर वो आजमाई शत इब्राहिम की जिंदगी को अगर पढ़ा जाए अल्लाह रबी ने सदन इब्राहिम कली को आजमाया बहुत सी बातों में अल्ला ने फरमाया हम अल्लाह फरमाता कि हमने इब्राहिम को आजमाया बहुत सी बातों में वो हर आजमाइश पर मीर पे उतरे कामिल उतरे और कामयाबी उनको अता फरमा दी गई तो मदद तमीन नदरीन मतलम हजरत इब्राहिम खलील सलाम की अगर हयात मुबारक को देखा जाए जिंदगी को अगर देखा जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हर वो चीज़ अता फरमायी खुशगवार जिंदगी थी माल व दौलत भी आपके पास थी इतना सब कुछ आपके पास था लेकिन एक बात को जहर नशीन कर रहे सामाइन मोहतरम के हज़रत इब्राहिम कलील आलाम के दिल में रत्ती बराबर भी माल और दौलत की कोई मोहब्बत आपके दिल के अंदर नहीं थी बल्कि आपके दिल के अंदर मोहब्बत इलाही थी अल्लाह रबालमीन की मोहब्बत थी यानी इंसान बाज़ाहिर अगर देख लिया जाए उसके पास अगर माल आ जाए दौलत आ जाए उसके अल्लाह रबालमी उसको नवाज दे तो बंदा जो होता है उस माल से मोहब्बत करता है लेकिन हज़रत इब्राहिम खली की अगर जिंदगी को अगर देख लिया जाए इतनी माल इतनी दौलत के बावजूद भी आपके दिल में उस माल की रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं थी बल्कि उस कल्ब के अंदर अगर मोहब्बत थी तो बारी तला की मोहब्बत थी अल्लाह रबीन की मोहब्बत थी इसकी मिसाल को अला जाम रहमत ने सच सरताहब में एक बात को लिखा एक वाके को लिखा अल्ला जामी ररत में आप लिखते हैं एक वाक़े को लिखते हैं कि सैद्ला इब्राहिम खलीम के पास भेड़ बकरियों के हज़ारों रेवड़ थे भेड़ बकरियों के हज़ारों रेवड़ थे आपके पास तो रिवायत में आया है इमाम जहाबी इमाम जामी रही सरतुल जहाब में लिखते हैं कि एक मरतबा फ़रिश्ते ने नेजरत जब्रा ने बाद हजरत इब्राहिल का नाम आया बात रिवायत में कोई और फरिश्ते का वो ज़मीन पर आए और आने के बाद जो है लिबास बशरीत में आकर सईदा इब्राहिम खली के सामने अल्लाह रबालमीन की तस्वीर को बयान फरमाई और बास किताबों में यह रिवायत भी मौजूद है कि वो तस्वीर वो फरिश्ते ने उस जब्राइल अमीन ने बाद रिवायत में आया है कि लिबास व शरीत में आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्वीर को बयान फरमाया भी क्या थी फरमायान खुदोसन रबुना तस्वीर को बुलंद फरमाया उस वक्त में हजरत इब्राहिम खलील अपने भेड़ बकरियों के रेवड़ में थे आपने जब ये कलिमात को सुने तआला के इस नाम को इस तस्वीर को जब सुना और इतनी अच्छी आवाज़ में इतनी सुरेली आवाज़ में और इतनी खुश अलहानी के साथ जो है जो फरिश्ते ने उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह को बयान फरमाया था तो इब्राहिम कलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने उस फर, उस 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 कहा जो लिबास सिहशियत में आया एक बार फिर से मेरे रब का नाम अपनी जबान से अदा कर लो फिर से उस तस तस्वी को अदा कर दो जो तुमने अभी भी पढ़ा है तो उस फरिश्ते ने कहा जो लिबास सिबाशरीत में आया इब्राहिम क्या दोगे तुम इसके बदले में हज़रत इब्राहिम कलीलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे पास ये जितने जो हजारों जो ऊँटों के ये भेड़ और बकरियों के जो रेवड़ है बकरियों के जो रेवड़ है इस आधे रेवड़ को मैं तुमको अता कर देता हूँ एक मरतबा मेरे रब का नाम अपनी जबान से फिर से उस तस्वीर को सब्बोन उन, खुदसुन उन, रबा की उस तस्वीर को फिर से तुम अदा करो तो उस फरिश्ते ने दोबारा जो है अल्लाह रबूम के नाम को उस तस्वीर को बयान फरमाया फिर कुतुब में आया है फिर सरतुल जहाब में मोहल्ला जामी लिखते हैं उस वक्त हजरत इब्राहिम खल ने फरमाया फिर से फरमाया कि आपको और शौक हुआ फरमाया उस फरिश्ते से फरमाया जो लिबास बशरियत में आया था उससे कहा कि फिर एक और बार अपनी जबान मुबारक से मेरे रब का नाम उसकी तस्बीह को उसकी पाकी को बयान फरमा दो उस फरिश्ते ने जो लिबास बशरियत में आया था उसने पूछा इब्राहिम अब क्या दोगे फरमाया कि जो आधे रेवड़ जो बकरियों के मेरे पास बच्चे हैं वो आधे रेवड़ भी तुमको अता फरमा देता हूँ वो आधे रेवड़ भी तुमको दे देता हूँ फिर से एक मरतबा मेरे रब का नाम मेरे महबूब का नाम जो है अपनी मुबारक से उस तस्वीर को तुम दोबारा अदा कर दो फरिश्ते शरीत में बयान किया कि जब वो आपने पढ़ा फिर इब्राहिम का शौक फिर इश्तियाक बढ़ा फिर उससे फरमाया कि एक और मरतबा अपनी जुबान मुबारक से मेरे रब के नाम को फिर से अदा करो फिर से उस तस्वीर को पढ़ो उस शख्स ने फरिश्ते ने कहा जो लिबास लिबासबरीत में आया उसने कहा इब्राहिम अब तुम्हारे पास बचा क्या है तुम्हारे पास बचा क्या है फिर से एक बार अपनी मुबारक से रब के नाम को ले लूंगा उसकी तस्वीर को बयान कर दूंगा तुम्हारे पास अब है क्या तो इब्राहिम खलील ने फरमाया कि जितना माल था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे अपने पास इस बकरियों के रेवड़ को चराने के लिए उसकी खिदमत के लिए अपने पास मुझे रख लो मैं बकरियां निगेबानी करूंगा उसकी देखभाली कर ना नाम को, इस को तुम बयान करते चले जाओ अल्लाह अकबर उस वक्त उस फरिश्ते ने फरमाया कि मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि अल्लाह रबीन की तरफ से आया हूँ एक आजमाने के लिए कि तुम्हारे कलब के अंदर आपके दिल के अंदर माल की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है तो इब्राहिम खलील सलाम की इस मोहब्बत को देखें कि अपने दिल के अंदर आपके जो कल्ब के अंदर जो है अल्लाह की मोहब्बत थी बस इससे अंदाजा इस बात से इस होता है जो रब की नाम की तस्बी को अल्लाह की पाकि को उसकी तस्बी को उसकी हम को अगर कोई बयान करता है तो इब्राहिम खलील आलम अपने पास जितना माल वो दौलत जितने बकरियों के रेवड़ थे वो सारे के सारे आपने उसको अता फरमा दिया तो मजस सामीन नाजीन मोहतरम बताना ये मससूस था कि हजरत इब्राहिम खलील आ सलाम के कल्ब के अंदर आपके दिल के अंदर जो है माल और दौलत की मोहब्बत नहीं थी बल्कि अल्लाह रबालमीन की मोहब्बत थी इब्तदा से अगर आप इब्राहीम की जिंदगी को देखें अल्लाबालमी ने इब्राहीम को बहुत से बातों में आज़माया बहुत बातों में आजमाया आप हर आजमाइश में मीर पर उतरे तामिल उतरे अल्लाह रबालमीन ने इसकी वजह से आपको तमाम कायनते इंसानी काइबा बना दिया आइए सामने मतलब अल्लाह रबी ने आपको इतना सब कुछ दिया आपका जब निका हजरत बीबी सारा रजी अल्लाह तहा से हुआ तो आपकी एक और एक आजमाइश ये हुई कि एक वक्त तक आपको औलाद नहीं हुई बास तपासिर के अंदर आया है बास कुब के अंदर आया है तकरीबन तीस साल का अरसा हजरत बीबी सारा के निका के साथ हजरत इब्राहिम का हुआ लेकिन उस तीस साल में आपको औलाद नहीं हुई तो हजरत बीबी सारा रजी अल्लाह तन ने आप फरमाया कि इब्राहिम मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप जो है दूसरा निकाह फरमा ले हाजरा से आप निकाह फरमा ले मैं उसको तैयार करवा लूंगी आपसे निकाह के लिए आप उनसे निकाह फरमा लीजिए अल्लाह ने सब कुछ दिया अभी एक औलाद नहीं रही बस मैं ये चाहती हूँ कि आप हजरत बीबी हाजरा से आप निका फरमा लें तो हजरत इब्राहिम कलील सलाम ने हजरत बीबी हाजरा से आपने निकाह फरमाया और निकाह के कुछ दिनों बाद कुछ सालों के बाद आप हमेशा दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में आप ये दुआ की कि रबी हबलीन मेरे मौला मुझे औलाद औलादता फरमाओ नेक औलादता फरमा तो पता क्या चला औलाद के साथ साथ नेक औलाद की दुआ करना ये नबियों की सुन्नत है क्योंकि तो इब्राहिम ने सिर्फ औलाद की दुआ नहीं फरमाई आज इब्राहिम की इस दुआ से ये तालीम हमें मिलती है ये पैगाम हमें मिलता है कि जब भी रब से अपने लिए औलाद मांगो

बेटा होगा समझदार बेटा होगा अल्लाह इस बात की जवाब में फरमाया फरना हम आपको बशारत देते इब्राहिम किसकी तुमको औलाद होगी तो बेटा होगा तुम्हें इब्राहिम और बेटा भी कैसा होगा बड़ा हलीम होगा बड़ा समझदार बेटा तुमको फरमाया जाएगा तो मजर मुतरम आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेक और साल औलाद हजरत इसमा की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अता फरमाई वो बेटे की दौलत से सरफराज फरमाया इब्राहिम को जवाब आया कि इब्राहिम तुमने मेरी बारगाह में नेक और साल औलाद के लिए तुमने सवाल किया हम तुमको जवाबन कहते हैं खुशखबरी देते हैं तुमको बेटा होगा और तुम्हें हलीम और समझदार बेटा तुमको अता फरमा दिया जाएगा तो समय ने मतलब जब आपको हजरत इसमाइल आसलम की जब अल्लाह रब्लम ने आप अल्लाह रबी ने इब्राहिम को अ फरमाया जब हजरत इसमाईल साम की विलादत बस आदत हुई तो लाजमी तकाजा ये है कि बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है यानी औलाद एक बहुत बड़ी नियमत है जो अल्लाह रबालमीन अता करता है इब्राहीम खलीम को इतना अरसे के बाद किसी को जो है जल्द औलाद हो जाती है निका के बाद तो उसकी भी एक बेनतहा खुशी होती है और औलाद की मोहब्बत एक फितरी है दिल के अंदर होती है इब्राहिम खलीम की अगर जिंदगी को देख लिया जाए कि हजरत सारा से निका हुआ एक अरसा गुजर गया औलाद नहीं हुई फिर इसके बाद बीबी हाजरा से निका के बाद आपको औलाद हुई अंदाजा करें कि इतने दिनों के बाद इतने सालों के बाद अगर अल्लाह रबीन औलाद दे दे तो जाहिर सी बात यह है कि औलाद की मोहब्बत भी अपने दिल के अंदर होती है तो इब्राहीम खलीलूल्ला सलाम को तो जब हज़रत इसमाहील तवलु हुए तो जाहिर सी बात यह है कि एक नमत इतने अरसे के बाद मिली है तो उसके बाद उस नमत के के बाद जाहिर सी बात है कि उस उस नमत की मोहब्बत भी इब्राहिम खली के कल्ब मुबारक में होगी हजरत हज़त सलाम के दिल में जब हज़रत इसमा सलाम की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत आई उसके बाद अल्लाह रबालम की तरफ से हुक्म हुआ बाद रिवायत में आ कि हजरत सारा रदी अल्लाह तन भी ये चाहती थी कि अब हजरत हाजिरा दूर हो जाए अल्ला रब्लम की तरफ से हुक्म आया कि इब्राहिम अपनी बीवी को अपने बच्चे को ले जाए और आप गैरजी जरा मुकाम पर छोड़कर कर आ जाए जा आबादी ना हो तो हजरत इब्राहिम खलीम ने अल्लाह के हकुम को पाया और बीवी सारा की भी ये मशुरा था कि आप हजरत जो है हाजिर को लेकर चले जाए नूद बेटे को लेकर चले जाएं तो इस तरह जो हजरत इब्राहिम खली मुल के शाम से निकल कर आप जो है एक खजूर की जम्बी एक पानी का मशकीजा ये सारी दो चीज़ों को ले लेकर आप जो है मुल्क के शाम से निकल कर सफर तय करते हुए जब हरम शरीफ मकतुलमकरमा पहुंचे और बाज रिवायत में आके जब खान काबा के उस मकाम पर जहाँ अल्लाह रबुलामीन का घर है उसके कुर्बीवार में जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी का तस्वूर नहीं जहाँ दूर दूर तक कोई खेतियाँ नहीं है कोई सरसद शादाबी नहीं है एक गैर जी जरा मुकाम पर आपने हज़रत इब्राहिम खलील ने अपनी बीवी हज़रत बीबी हाजरा को अपने लक्ष्य जिगर अपने दिल के टुकड़े को जिगर के टुकड़े को हजरत इसमाही को उस वक्त आप शीरखारी खारी के यामे दूध पीने की उम्र के हैं उस वक्त आपने ले जाकर उस गैर जी जरा मुकाम पर अपनी बीवी को अपने बच्चों को छोड़कर एक खजूर की जंभील देकर एक पानी का मशीजा रख आप निकल कर जा रहे थे तो हजरत बीबी हाजरा सलाम्ही आपने फरमाया मेरे सरताज आप कहाँ जा रहे हैं ये दूर दूर तक कोई आबादी का तस्वुर नहीं है कोई ससद्द तो शादाबी नहीं है कोई खेतिया नहीं है कोई हरियाली नहीं है एक गैर सी जरा मुकाम है गैर आबाद मुकाम है आप इस जगह पर हमें तनहा छोड़ रहे हैं क्या बात है हजरत इब्राहिम खली ने जवाबा फरमाया बीबी हाजरा को क्या है हाजरा मुझे रब का हुक्म है तुम्हें मैं यहां पर छोड़कर जाए बीबी हाजरा को फरमाया कि हजरत इब्राहिम ने कहा कि रब का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है आपको इस बच्चे को यहां छोड़ कर जाओ तो उस वक्त हजरत बेबी हाजिर रजी अल्लाह फरमाया कि मेरे सरताज अब तशरीफ ले जाए जिसने आपको ये हुक्म दिया छोड़ कर जाने का वो हमें जाए नहीं करेगा वो हमें तनहा नहीं छोड़ेगा हमारे लिए वो इंतजाम करेगा इब्राहिम आप चले जाए अब हमारी फिक्र और हमारा ख्याल ना करे रब का हुक्म है यहां आपको हमें छोड़कर जाने का आपका हुक्म है आप परेशान ना हो जिसने आपको हुक्म दिया है वही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है वो हमको ज़ाय होने नहीं देगा वो हमें तनहा नहीं छोड़ेगा बेसर सामान नहीं छोड़ेगा हमेंत इब्राहिम अलैहि सलाम आप जब छोड़कर जा रहे थे रिवायतों में आया है तपासिर में आया है कि आप थोड़ी दूर जाते क्योंकि फितरी तौर से जो मोहब्बत थी अपनी औलाद से भी पलट कर अपनी बीवी को बच्चे को देखते फिर थोड़ी दूर जाते फिर अपनी बीवी बच्चे को देखते फिर थोड़े दूर जाते अपनी बीवी को अपने बच्चे को देखते उसके बाद वहां पर दूर तशरीफ ले गए जहां से आपको अपनी बीवी अपने बेटा नजर नहीं आया वहां आप खड़े रहकर बारगाह इलाहिया में अल्लाह के हुजूर खड़े रहकर अपने हाथों को उठा कर दुआ की गैर रैया थी कुरान मजीद की आयात मुबारक है हद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने हाथों को उठाकर दुआ किया मेरे रब इन्नी अस्कंतु मिन रैया मैंने अपनी जुर्रियत को अपनी औलाद को अपने घर को अपने घर वालों को यहाँ तेरे हुक्म के मुताबिक इस गैर जी जरा मकाम पर जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं मेरे मौला तेरे हुक्म पर मैंने बसा दिया छोड़ दिया इसलिए कि वो नमाज को कायम फरमाए और हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि अल्लाह रिस भी अता फरमा अपनी तरफ से असमर अता फरमा फल भी अता फरमा रिस्ब इन्हें अता फरमा इब्राहिम खलील वहां दुआ किए वो दुआ का नतीजा था आज भी सऊदी अरब के अंदर आप देखेंगे अरमैन शरीफ में देखेंगे गैर मौसम फल भी आपको यहाँ दस्तियाबोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम खली की दुआ को कबूल फरमाया और जब हज़रत इब्राहिम चले गए उनके भी आजमानी चीज़ हजरत इब्राहिम खलील के लिए कि इतने सालों के बाद जब औलाद हुई हज़रत सतराहीम असलाम के दिल में औलाद की मोहब्बत भी थी रब ने आजमाया कि इब्राहिम अब जाओ अपनी बीवी को अपने बच्चों को ले जाकर गैर मकाम पर छोड़कर आओ आप हजरत इब्राहिम ने रब के हुक्म की तामील की हर वो मामले में और अल्लाह की जो मोहब्बत इब्राहिम कलीलुल्लाह के दिल में थी आपको अंदाजा होगा इस बात से कि अल्लाह के, अल्ला के हुक्म के आगे अपनी हर वो चीज़ को आप जो है कुर्बान करते गए और अल्लाह के हुक्म की तामील की आपने रत्ती बराबर भी आपने तखिर नहीं फरमाई बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील में आगे बढ़े औलाद के इतने सालों के होने के बाद रब की बारगाह में सवाल नहीं किया कि मैं ओला में छोड़कर क्यों जाओ अभी तो मुझे औलाद भी नहीं फरमाया हुकुम है अपनी बीवी बच्चों को ले जाकर छोड़ दिया आपने और जहाँ से नजर नहीं आए वहाँ उठा के अपने हाथों को दुआ किया अल्लाह की बारगाह में रब ने वो दुआ को कबूल फरमाया हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह तजरत इसमाहीद्लाम के पास जब तक वो खजूर की जंभील थी पानी का मशीदा था हजरत बीबी हाजरा उसको खाती थी पानी को नोश फरमाया करती थी जिसकी वजह से गजा की वजह से आपको दूध बनता आपकी जो खजूरें थी वो खत्म हो गई पानी था वो खत्म हो गया उसके बाद चले जा रहे हैं उस वक्त मेंजरा रजी अल्लाह ने आपने उस मकाम से उठकर सफा व मरबा के दरमियान जो पहाड़ी है वहां से आप सफा पे जाती वहां से आपको अपने बेटा नजर नहीं आता तो दौड़ते भी आती हैं तो इस तरह हजरत बीबी हाजरा री अल्लाह तहा अपने बेटे को नजर न आने पर दौड़ते भी जाना पानी की तलाश में निकली थी आप जो है उसकी तलाश में निकली दूर जाती और मरवा के दरमियान उसकी जगह पर बेटा नजर नहीं आता तो आप दौड़ती भी आती जाती अल्लाह रब्लम को हजरत बीबी हाजरा का ये अमल इतना पसंद आया हजरत बीबी हाजरा का दौड़ना औलाद के लिए था मोहब्बत से उसके लिए था अल्लाह को इतनी अदा पसंद आई। उसको अपनी इबादत का हिस्सा बना की। सफा उनका दौड़ना औलाद के लिए था अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि हर उम्र करने वाले को हज करने वाले को जब तो ये हरम शरीफ का जब तवाफ होता है सफा व मरवा पे जब तक सही नहीं होती उस वक्त तक उम्र नहीं होता तो मज़त समी मुहतरम हजरत बीबी हाजरा का ये सात मरतबा चक्कर लगाना वहाँ से बेटा नजर नहीं आता शायद मेरे बेटे को कोई तकलीफ होगी कोई चीज़ कोई भेड़िया उठा लिया जाएगा वो खौफ से आप जो है दौड़ती भी नीचे उतर के आती थी आप तो इस तरह अल्ला रब्लम ने हजरत इस्माईल आम के कदम मुबारक की एडी से जब हजरत इसमाईलम ने अपनी एड़ी मारी तो उस जगह से पानी का चश्मा फूटा हजरत बीबी हाजरा दौड़ती भी आई जब पानी का चश्मा फूटा तो आपने अतराफ से कट्टा बनाया पानी को रोकने के लिए अपनी जबान मुबारक से फरमाया फरमायामजम ठहर जा जामजम आपकी जबान से निकला जमजम तो पानी जो है जो जब कट्टा आपने बनाया था पानी वहीं पर ठहर गया इस जगह पर अकाल सला तो सलाम फरमाते हैं कुरबान जाओ मैं अपनी माँ पर अगर मेरी माँ हाजिरा उस वक्त जो है जमजम नहीं फरमाती ठहर जा नहीं फरमाती तो पूरी दुनिया उस जमजम के पानी में डूब जाती थी फरमाया अकाल सलाम तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह फरमाया जम जम ठहरचा पानी जो है वो जो अपने अतराफ से कट्टा बनाया था वो पानी ठहर गया वहाँ पर उसके बाद में अब आपके पास पानी मौजूद है मगर कोई गजा मौजूद नहीं है मैं रिवायतों में आया है सीरत में ये बात लिखी गई है एक कबीला वहाँ से गुजर रहा था कबीले जुरहम कबीला वो जो है कबीला वहाँ से गुजरा तो देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं तो उनमें से किसी ने कहा कि परिंदे उस जगह पर उड़ते हैं जहाँ पर पानी होता है तो जाओ एक कबीले वाले ने कहा कि जाओ जुर्म कबीले वाले ने कहा कि जाओ जरा तो देख आओ के आओ कि क्या कुछ पानी वहां पर मौजूद है तो एक शख्स आया उसने देखा कि हाँ उसने आके जवाब दिया फरमाया कि हाँ पानी मौजूद है एक खातून है पर्दादार खातून है बच्चे को लिए भी है तो जब वो काफ़िला जब पहुंचा वहां पर तो उस वक्त भी हाजिरा रजी अल्लाया कि ये पानी में आप हमें शरीक कर लें ये पानी में आप हमें शर्क कर लें हम बकरियों का रेवड़ भी अपने साथ लाए हैं अब यहीं पर हमी मकाम हो जाएंगे यहीं पर हम ठहर जाएंगे हम आपको अपनी ग़ज़ा में दूध में गजाओं में शरीक कर लेंगे आप इस पानी में हमें आपने आपको आप शरीक कर लिया फरमाया कि आप हमें पानी में शर्क कर लें हम गजा में आपको अपने साथ शर्क कर लेंगे हुआ ऐसा ही कि वो काफिला वहीं पर रुका रहा हती कि ये खान काबा के पास जो गैरजी दरा मकाम था एक गैर आबाद मकाम था अल्ला रबुमी ने इस मुकाम को बसाना चाह उस कबीले वाले वहाँ पर स्टे किए वहाँ पर ठहर गए इस तरह आ, हरब शरीफ के करीब में जो है मकतुलमक्रम में खान के के करीब में आबादी वहाँ पर अब बनना शुरू हुई इस तरह जो है वो मकाम आबाद हो गया जिस तरह गैर आबाद मुकाम था गैर जी जरा मुकाम था रबालमीन ने चाह कि इब्राहिम को फरमाया कि इब्राहिम जाओ अपनी बीवी बच्चे को वहां पर छोड़ कर आओ ताकि वो गैर आबाद मुकाम जो है आबाद हो जाए रब का मनशा ये था कि ये आबाद हो जाए अल्लाह रबी ने हज़रत इब्राहिम को आजमाया कि देखेंगे इब्राहिम के कल के अंदर बेटे की मोहब्बत है या अल्लाह केक्म की, की ताल का मामला हैरत इब्राहिम खली ने रब के हुक्म की, की तामील फरमाई अपने हर वो चीज़ से रब की मोहब्बत को आपने जो है ना फोकियत यानी आपने सबका अपने हर वो चीज़ पर इब्राहिम ने रब की मोहब्बत को फोकियत दी फरमाया कि मेरे दिल में फकत अल्लाह की मोहब्बत है उसके हुक्म की तामील मैं जरूर करूँगा तो हजरत इब्राहिम जब छोड़ गए अल्लाह रबालमीन का मंशा ये था कि इस गैरजी जरा ये गैर आबाद मकाम, इसको आबाद किया जाए इस तरह अल्लाबालमीन ने हुम दिया तो हजरत इब्राहिम अपनी जोजात बीबी हाजरा को हज़रत इस्माइल को उस मकाम पर आपने छोड़ दिया था इस वजह से कबीला जुरहम का जब कबीला आया तो वहाँ पर उन्होंने हर बीबी हाजरा के साथ रहकर उनको पानी में हजरत बीबी हाजरा ने शरीक फरमा लिया जमज़म में और इस तरह उन्होंने अपनी बकरियों के दूध में हजरत बीबी हाजरा को हज़रत इस्माई सलाम को शरीक फ़रमा लिया बहुत समझने बताऊ इसलिए जो है जमजम ये पानी जो है गजा भी है शिफा भी है सिर्फ लोग है, है और गिजा भी है जमजम इसलिए अकाल सला फरमायालू का नाफिया व शिफा मिनकुल्लीदा कि जब जमजम पिए तो ये दुआ करे अल्लाह इन्नी असअलू का इल्म नाफिया मुझे नफाब इल्मरमा मेरे रिस में खुशादगी अता फरमा हर बीमारी से मुझे शिफा अता फरमा यह दुआ पढ़कर जमजम पीनी चाहिए तो यह जमजम जब का पानी निकला और पानी ठहर गया तो हजरत बीबी हाजरा ने इसको नाम दिया जमज़म फरमाया तो इस तरह वो जमज़म का कुआ जब शुरू हुआ तो जब ये कबीला वहां पर ठहर गया और ये गैर सी जरा मकाम जो है ना आबाद होना शुरू हुआ तो एक वक्त गुजर गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत इब्राहिम को फरमाया कि इब्राहिम जाओ अपनी बीवी बच्चों के साथ रहो हज़रत इसमाही के साथ हज़रत इब्राहिम आपने फिर अपने अहलिया के साथ इमाम अब यहाँ पर एक बात यह है के हजरत इब्राहीम के हजरत बीबी हाजरा से जो औलाद हुई हजरत इस्माईल में फिर उसके बाद जो है रिवायत में आके तेरह साल बाद, बाद रिवायत में तीस साल बाद हजरत इसमाईल की विलादत के तेरह साल बाद हजरत सारा को साखल हुए बाद रवायत में अख्तलाफ बाद नहीं तीस साल बाद में तेरह साल तबकात बिबिन सात वगैरह में और हजरत इमाम इबिन कसीद वगैरह की तारीख को पढ़ेंगे थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा हज़रत इस्ईल हजरत इसहाक के दरमियान तेरह साल का जो डिस्टेंस है बाद रिवायत में तीस साल का फ़र्क है फिर हजरत इब्राहिम सलाम की उम्र पर भी अखिलब है मां इब ने कसी लिखते हैं कि छियालीस साल थी जबरत सलाम तो वलुभ हुए इस तरह की किसी तारीख में छियनों साल आपकी उम्र मुबारक है इब तो ने साथ माया तो मौजूद बताना मससूद ये है कि जब अल्लाह रबिम अल्ला ने हकम दियात इब्राहिम को जाओ अपने बीबी बच्चे के साथ रहें फतरत इब्राहिम फिर आए उसके बाद में रिवायतों में बात मौजूद है कुरानी मजीद की उन्हें आया मुबारक है कि उसके बाद इब्राहिम सलात को अल्लाह रबालमी ने अब पूरी आजमाइायशा खुली और वाजे थी और इब्राहीम हर आजमाइश में कामयाब हुए और अल्लाह के हुक्म की तामील आपने फरमाई हर हकुम की तामील फरमाई आजमायशात तो पूरे मीयार पर उतरे अब कुरानी मजीद में अल्लाबीन ने शाह फरमायागैर में रवायतें मैंने आयत मौजूद हैं अबमिन ने तो हजरत इब्राहीम ने दुआ फरमाई थी रबी हबली मिनिन के अल्लाह मुझे साल औौला फरमा तो ला ला हलीम। उसके बाद साया। जब हजरत इस्मा की उम्र को पहुंचे इस्मा दौड़ने की उम्र को पहुंचे अब बच्चा किस उम्र में दौड़ सकता है आप इसका अंदाजा करें दौड़ने की उम्र क्या होती है बच्चे की फलम्मा बलगा माउस्सा आया जब वो दौड़ने की उम्र को पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को जबा फरमा रहे हैं यानी दौड़ने की उम्र को इस्माइल पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तीन दिन तक आपने ख्वाब देखा और नौ जुल्हिजा को आपने तीन दिन मुसलसिल ख्वाब देखा अरफा का जो दिन है पहचान का दिन है तीन दिन आप ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को जबा फरमा रहे हैं अब समीन मोहतरम ये उस वक्त की बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तीन दिन और हज़रत इस्माईल सलाम की उस वक्त उम्र है कि आप दौड़ने की उम्र को पहुँचे हैं उस वक्त में हज़रत इब्राहीम तीन दिन ख्वाब देखते हैं और हुक्म है अल्हबरमीन का ख्वा में क्या देखते हैं कि आप अपने फ़र्जन को हज़रत इसमाइल को ज़ुबह फ़रमा रहे हैं अब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से भी गुफ्तु नहीं की इस बारे में बातचीत नहीं की आपने पेने फ़र्जन से जो है उस वक्त में फरमाया कि बेटे चलो इस वादी में जाएँगे और अपने साथ आप चाकू वगैरह रस्सी वगैरह रख रखनी फरमाया कि हम जाएंगे लकड़ियों का गट्ठा जो है लकड़ियों को काट कर लाएंगे ताकि घर के लिए काम आ जाए आप जो है घर से हजरत इसमाही को लेकर उनको गसल वगैरह के बाद नहला वगैरह कर झुला कर जो है ना उनको कपड़े वगैरह पहना कर अच्छे से फिर उसके बाद में जो है ना साथ लेकर गए कि हमें जो है ना उस जंगल के इलाके में उस पहाड़ीला इलाके में जाना है ताकि जो है वहाँ से लकड़ियों को तोड़ कर लाए घर के लिए एक चाकू वगैरह रस्सी वगैरह आपने रख ली अपने साथ इस तरह हजरत बी अभी हाजिर भी, भी, भी गई हैं जानती हैं कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे के साथ लकड़ियां लाने के लिए गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए शैतान रास्ते में एक इंसानी शक्ल में आया और आके जो है हजरत इब्राहिम तैयारी में थे कि अपने बेटे से बात कर लेंगे कि आप तीन दिन ख्वाब में देखते हैं कि आपने फर्दन को आप लगते जिगर को जुबा फरमा रहे अभी अपने बेटे इसमाइल से कोई बात नहीं किया आपने साथ लेकर गए हैं चाकू और रस्सी वगैरह आपके साथ हैं तो रास्ते में जो है शैतान मरद व जो है उन्हें जो है रास्ते में मिला कि इंसानी शक्ल ने मिला और मिलकर जो है उसने कहा कि इब्राहिम मैं जानता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं आपने जो ख्वाब देखा हो सकता है ये शैतान की तरफ से हो क्या अल्लाह जो है किसी बंदे की कुर्बानी चाहता है हो सकता है कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से हो तो हज़रत इब्राहीम को एक इंसानी शक्ल में आकर आपको इस काम से रोकने की उसने कोशिश की सद इब्राहिम ने को, को जवाब दिया जान गए पहचान गए फरमाया तो लईन मरदूत शैतान है निकल जा मैं तुझको पहचान चुका हूँ मैं जान चुका हूँ कि तू कौन है और किस लिए तू यहाँ पर आया है और वो खुद ये कह रहा है इब्राहिम सलाम को कि तुमने ख्वाब देखा अपने बेटे को जुबा कर रहे हो सकता है कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से हो वो खुद शैतान अपना नाम लेकर हजरत इब्राहिम सलाम को इस अमल से रोकने की कोशिश कर रहा है हज़त इब्राहिम सलाम तो जान गए और उसको हटा दिया फिर वो निकल कर हज़त इसमाइल सलाम के पास गया और पूछा कि इसमाइल तुम्हें पता भी है तुम्हारे तुमको कहाँ ले जा रहे हैं फरमाया नहीं बल्कि तुमको जो है इसके अंदर ले जाया जा रहा है तुमको जो है ज़बा करने के लिए वो वो जो है निकले हैं तुमको साथ लेकर बोले क्यों बोले कि उनके रब का हुक्म होगा बल्कि ये बता रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि वो कुरबानी चाहता है तुम्हारी हजरत इस्मा सल्ला भी जान गए पहचान गए कि आपने जवाब फरमाया कि मेरे वालद को अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया है तो यकीन मेरे वालद उस हुक्म की तामील में आगे बढ़ेंगे और मैं उसके लिए तैयार हूँ अल्लाह को वहाँ से निकल गया शैतान फिर बीबी हाजरा के पास आया और आके जो है वहाँ इंसान शक्ल में आके फरमाया कि कहाँ गए तुम्हारे खावन कहाँ गया तुम्हारा बेटा तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया कि वो तो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गए हैं उस पहाड़ गला इलाके में गए हैं उस जगह पर तशरीफ ले गए हैं तो फरमै तुम्हें पता है कि इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया होगा ये कह रहे हैं कि वो अपनी फर्दान को ज़ुबा कर रहे हैं ज़ुबा का हुक्म आया क्या यह मुमकिन हो सकता है वो अपने बेटे को जुबा करने के लिए ले गए कि अल्लाह का हुक्म है तो हबीबी हाजरा ने फरमाया कि अगर मेरे खावन कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो बिल्कुल वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है और मैं इस पर तैयार हूँ फरमाया तो उस वक्त शैतान की बातों में ना इब्राहिम खलील आए वो बना चाहा इस अमल कुर्बानी से रोकना चाहा लेकिन हज़रत इब्राहिम जानकर उसको हटा दिया फिर हजरत इस्माहीसलम हटा दिया फिर हजरत बीबी हाजरा ने उसको हटा दिया सब पहचान चुके थे और सब ने यह जवाब दिया जब अल्लाह का हुक्म है मेरे वालद उस तो हुक्म की तामील करेंगे और हजरत इसमाइल कहते हैं मैं तैयार हूँ बीबी हाजरा कहते हैं अल्लाह की तरफ से हुक्म अगर आ चुका है तो हजरत इब्राहिम उस हुक्म की तामील जरूर करेंगे हमें कोई ऐसा मसला नहीं है तो मज़र सामने मुतरम इससे क्या पता चला कि हज़रत इब्राहिम को भी इस कुर्बानी के अमल से वो हटाना चाहता था हजरत इसमाइल को हटाना चाहता था हजरत बीबी हाजरा के जरिए से इस अमल को इस फैल को जो है वो रोकना चाहता था लेकिन ये देख लीजिए जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हज़रत इसमाइल से वहां पर रोक कर पूछा है मेरे बेटे इसमाही बुनैया इन्नी आरा जब दौड़ने की उम्र को है हज़रत इसमाइल अजबील्ला तो बुनैया इन्नी आरा ऐ मेरे बेटे मैं तुझे ख्वाब में देखता हूँ तुझे ज़बा फरमा रहा हूँ इन्नी अरा फिल्म नामी खाब में देखता हूँ मैं तुझे जबा कर रहा हूँ अन्नी का फंजुर माजा तरा हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से उस उम्र में राय पूछी अब यहाँ पर एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि क्या दौड़ने की उम्र का बच्चा राय देने के काबिल हो सकता है आप बोलिए क्या इस उम्र का बच्चा दौड़ने की उम्र का बच्चा क्या उससे कोई राय पूछ सकता है बोलिए आप कोई बड़ा आदमी इस दौड़ने वाले इस बच्चे की उम्र के बच्चे को किसी से कोई राय पूछ सकता है क्या वो उस उम्र का बच्चा किसी राय को देने की सलाहियत रख सकता है हजरत इब्राहिम खलीम ने अपने बेटे से पूछा क्या है मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ में तुझे जबा कर रहा हूँ बताया का मैं तुझे जब कर रहा हूँ फंजुर्मा जरा तेरी राय क्या बता हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से राय पूछी हजरत इसमाही सलात जो है आप जवाबन

कोई और अमल भी हो सकता है कोई और चीज़ भी हो सकती है ये सारी बातें जो है हजरत इस्मा जबील्ला राय में ये बातों को पेश कर सकते थे अपने वालिद के सामने क्योंकि वालिद ने राय पूछी थी कि मैं तुझे जबा कर तबा दे रहा हूँ मेरे बेटे बता तेरी राय क्या है तो हजरत इसमाइल उस वक्त में राय में कुछ भी बातें पेश कर सकते थे तो आपने जो है कोई बात पेश नहीं की अपने वालिद के सामने क्या आपने कहा ये बात कुरान मजीद के इन आयात मुबारक को पढ़े कलामुल्ला की जो आयतों को पढ़े बात समझ में आती है हजरत इब्राहिम को जवाब दिया अब है उससे कर गुजरी है पता क्या चला नबी जब बेदार होता है तब भी उस पर वही इलाही का नजूल होता है नबी जब आराम करता है नबी जब सोता भी है तब भी अल्लाह रबीन के वही का जो है उस पर नजूल होता है और बताना ये मकसूर था कि इब्राहिम के तो जितने आजमाइशात हुए वो तो बेदारी के तरफ से बेदारी के आलम में अल्लाह के हुक्म से हुए हैं बेदारी की हालत में लेकिन रब्बुल आलमीन ने आपकी जो महबूब तरीन चीज़ आपकी जो औलाद है इसकी कुर्बानी के जो वाकए रब्बुल आलमीन ने ख्वाब में आपको हुकुमता फरमाया इन्नी मनामी इमनामी अन्यू का जबा फरमा रहे वो ख्वाब में आपने मुसलसिल तीन दिन तक आपने ख्वाब देखा तो बताना ये मकसूद है कि आपने अपने बेटे से राय पूछी तो आप राय में बहुत सारी बातें पेश कर सकते हैं आपने पेश न फरमाई आपने फरमाया आबतीफ अलमात उमर अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है उसको कर गुजरिए मुझसे राय पूछ कर आप हुकुम की तामील में तखीर क्यों कर रहे हैं रब ने जो आपको हुक्म दिया है उसे कर गुजरिए फरमाते हैं अबकिफ अलमात उमर सदा रब ने जो आपको हुआ कर गुजरिए कीजिए हुक्म की, की तमीर कीजिए रहा मेरी का मसला। मिनस मुझे आप सबर करने वालों में, में से मुझे आप पाएंगे बताना ही मकसूद है किसत इस्माइल ने जवाबन के ने फरमाया कि अब्बा जान आप कर गुजरी जो रब ने आपको जो हुक्म दिया है मुझसे राय पूछ हुक्म लाई की तामील में तामील में अब तखिर ना हो जाए आप कर गुजरिए है जो अपने आपको जो हुक्म दिया है रहा मेरी जात का मसला मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे ये नहीं फरमाया ये भी कह सकते थे कि मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे हजरत इस्मा ने फरमाया मुझे आप साबरीन में से पाएंगे पता क्या चला कि अपनी शिनाख्त को भी हजरत इसमाइल जबील्ला ने साबरीन के अंदर गुम कर दिया अपनी पहचान को भी साबरीन के अंदर आपने गुम कर दिया उसके बाद भी मजीद मेंबल फरमाया फलाम्असम जबीन। हज़रत इब्राहिम इस्माइल ने जब बात हुई तो आपसे चंद मारूजात रखे फरमाया कि अब्बा जान जब आप मुझे जबा के लिए ले जाए तो मुझे आप गर्दन के बल नहीं बल्कि पेशानी के बल लटाएं आप फलामा असलमा वल्ल जबीन जिसको जबा किया जाता है तो ऐसे लटाया जाता है जब मुझे सुबह की बात आ जाए तो बजान आप मुझे इस तरह पेशानी के बल लटा देना ताकि मेरा चेहरा आपको नजर ना आए बाद रिवायत में आपने फरमाया कि अब बजान अपनी आंखों पर पट्टी को बांध लेना ताकि बवक्त ज़बा अगर आपकी नज़र मुझ पर पड़ जाए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत का गलबा आपके अंदर ना आ जाए हुक्म इलाही की तामील में उसकी जो मुकम्मल करने में कहीं तखीर ना हो जाए कहीं बेटे की मोहब्बत का गलबा ना हो जाए तो जिस तरह मुझे आप पेशानी के बल लटा देंगे ताकि मेरा चेहरा आपको नजर ना आए इसी तरह अपनी आंखों पर पट्टी को भी बांधे ताकि आप मुझे देख ना सकें तीसरी बात आपने फरमाई कि आप अपनी चाकू को बड़ी तेज कर लें बड़ी तेज कर लें ताकि जो है क्योंकि मेरा जो आखिरी वक्त होगा वो बड़ी आसानी के साथ हो सके और चौथी बात आपने फरमाई कि मैं जल्द जबा हो जाऊं कोई तकलीफ ना हो चौथी बात आपने फरमाई कि अपने दामन को अपने कपड़े को अपने कुर्ते को जो है आप खरीब कर लें ताकि मेरा खून आपके लिबास पर ना उछले खतरा ये आपने मारूजात रखा उसके बाद वह जगह पर कुर्बानी की जगह पर पहुंचने वाले थे वही शैतान फिर दोबारा आया दोबारा आया जमर अकबा के पास आया हजरत इब्राहिम सलाम को हटाना चाहा इस फेल से रोकना चाह कुरबानी से हजरत इब्राहिम कंकरिया उठा के मारी उसको फिर जमर उस्ता की तरफ आया वहां रोकना चाह वहां आपने कंकरिया उठाकर मारी सात कंकरिया जमर अकबा पर आया जमर कुबरा पर आया बड़े जमरे पे आया वहां पर हजरत इब्राहिम ने फिर कंकरिया मारी इस तरह जो है तीनों जगहों पर अग, जो हमारे उबा पर हो जो हमारे उस्ता पर, हो, जो पर उस जगहों पर अग, शैतान को सात साथ, साथ कंकरिया मारना यह हजरत इब्राहिम की सुनत मुबारक बाद रिवायत में आया है कि पहली जो सात मरतबाजरत इब्राहिम ने मारी थी दूसरी मरतबा हजरत इसमाही मारी थी शैतान पर तीसरी मरतबा बीबी हाजरा रजील ने मारी इस तरह ये एक रिवायत में हरत इब्राहिम ने तीनों जगहों पर शैतान को कंकरियां मारी आप खुद मारी बाद रिवायत में दूसरी जगह पर इस्मा ने मारी और तीसरी जगह पर जो है बीबी हाजरा ने मारी इस तरह मालूम यह हुआ कि हज के अंदर दस झुलहजा को जो कुरबानियाँ होने के बाद जो है यानी उस वक्त में जो कुरबानी के वक्त में दस झुलहजा के दिन जब शैतान को कंकरिया मारी जाती है ये सुन्नत है इब्राहिम की तो पता यह चला कि यह सारे अमल को अल्लाह रबालमीन ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया बीबी हाजरा का सफा मरवा पर दौड़ना पाने के लिए था अपनी औलाद के लिए था अल्लाह ने उसको जो है अपना इबादत का हिस्सा बना दिया शैतान पे कंकरियाँ मारना ये इब्राहिम की सुन्नत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के अयाम उस वक्त ख़त्म नहीं होंगे हज का जो है दस दस जिलहजा को उस वक्त में जब तक के शैतान को कंकरिया नहीं मारी जाती बताना ये मससूद है कि वो सारे वाकयात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया अब उस वक्त में हजरत इस्माइल इस्माहीसलाम को आप लेकर गए और आपको गर्दन के पेशानी के बल लटा दिया गया हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी को बांध दिया चाकू को तेज कर ली और आपने उस वक्त अपने फर्दन को लटा भी दिया और जुबा करने के लिए बात तपासिर में आया है रिवायतों में आया है कि हजरत इब्राहिम ने आपके गले पर छुरी को रख कर आपने कई मरतबा उस छुरी को आपने आगे पीछे किया जबा के लिए लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि हजरत इसमायद की हलक और उस छुरी के दरमियान एक पीतल की चीज लोहे की जो चीज होती पीतल की उसको अल्लाह आलमीन ने दरमियान में हायल कर दिया ताकि इब्राहिम सलाम के हाथों से कुर्बान ना हो बल्कि ने दरमियान में एक जो है पीतल की चीज को हायल कर दिया हज़रत इब्राहिम अपनी छुरी को फेरते गए लेकिन आप देखते हैं कि हजरत इसमाही का गला नहीं कटा इधर हजरत इब्राहन जन्नत से दुम्बा लेकर आए और तस्वीर को पढ़ते हुए आए और तस्बीर भी क्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जो अम शरा की जो मैंने जो तकबीर होती है इसलिए जो है ना अम तशरीक की जो तस्बीर होती है तो इस तस्वीर को जो पढ़ा जाता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हजरत ज़ब्राह अमीन जब जन्नत से दुम्बा लेकर आए और उस वक्त आप ये तस्वीर को पढ़ते हुए आ रहे थे हजरत इब्राहिम आल सलाम ने अपनी आँख खोल के पट्टी हटा के देखा और बाबा जब कलमा फरमाए ला इलाहा लाला

सच्चा कर दिखाया इब्राहिम ने ख्वाब में देखा था तो अपने बेटे को आप जबा कर रहे हैं जबा के बाद के को नहीं देखा जबा करते हुए तो अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया इन्ना कजाल का नजिल मोहसिन हम महसिन को बेहतरीन जजा बेहतरीन बदला अता फरमाते हैं और इसकी फिजरी में हमने अल्लाह ने अजीम हमने अता फरमाया वो फदही ना हो अजीम कि हमने जो है इस खिफि में जुब अजीम ता यानी वो जन्नत से जो दुम्बा चालीस दिनों से जो जन्नत के अंदर जो है तैयार था अल्लाह रबी ने उस दुम्बे के जरिए से हजरत इस्माइल को हटाया और हजरत इब्राहिम खलील ने आपने उस दुम्बे को जवाब फरमाया वह फदही ना हो तो इस तरह हजरत इब्राहिम ने खब को सच्चा कर दिखाया और अल्लाह रब्आलम ने हज़रत इब्राहिम इब्राहीम सलाम हज़रत इस्माइल अलैहि इसमायलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत से दुम्बे को भेजा सुभान अल्लाह जन्नत से दुम्बे को भेजा बाद रिवायत तो में आया कि हाबिल और काबिल के जो वाकये पर जो आ, वाकया था कि उससे जो दुम्बा था वो वही वो दुम्बा जो हजरत इसमायल साम के लिए जन्नत से लाया गया बाद रिवायत कि में आया कि वो चालीस दिन से जन्नत में चल रहा था इस तरह जो है अल्लाह रब्लम ने हज़रत इब्राहिम हज़रत इसमा के इस वा से हमें कुछ नसीहतें मिलती हैं कुछ दर्स में मिलता अब बताना ये मकसूद है कि हजरत इब्राहीम असल जो बात है असल जो कुर्बानी का जो मामला है बाप और बेटे की गुफ्तु है हजरत इब्राहिम आसमाम हजरत इसमाईल साम की असल गुफ्तु को समझना और उनके इस कुरबानी के बाका से क्या पैगाम हमें मिलता है हमें दुम्बा याद रहा हमें दुम्बा याद रहा हम कुर्बानियों के लिए दुम्बे को याद रख लें लेकिन चाहिए तो ये था कि हजरत इब्राहिम आसमाम हजरत इसमाहीदीदी इन दोनों की बातों को याद रखिए आप अपना बाप और बेटे की गुफ्तु को अगर हम समझेंगे पता चलेगा कि हुक्म इलाही की तामील में हजरत इब्राहिम ने अपनी यानी माल को अपने सब कुछ हती कि अपनी औलाद को जो है आप हुक्म इलाही के तामील में लिए आपने अपनी औलाद को जुबा करने के लिए आपने तैयारी फरमाई बताना ही मकसूद है किरतबरिम ने यह तालीम और इस वाक़ से हमें दर्श मिलता है कि अपनी हर वो चीज़ को अल्लाह की राह में अगर देने की बात आ जाए कुरबानी की अगर बात आ जाए देने की बात अगर आ जाए हम पीछे ना हटें बल्कि अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अपनी जान से हो अपनी माल से हो या हर वो चीज़ से जो है अल्लाह की रजा को अल्लाह उसके रसूल की रजा को, को हम हासिल करने की कोशिश करें तो मादी मतलब ये चंद बातें हम आज के इस मौजू की मुनासिबत से क्योंकि हज़रत इब्राहिम हज़रत स्माहील सलाम इस वाक़े से हमें मिलता है हम तो आपका दस जुलहजा के दिन तो जो है अपने जानवरों की हम कुर्बानियाँ करते हैं लेकिन ये बात को याद रखें कि अभी हम अपनी मैं की भी कुरबानी करें अपनी अना को भी जुबा करें अपनी मैं जो है अपनी जो अना है इसको भी हम जुबा करें जिस तरह जानवरों की हम जुबा करते हैं इस ईद के मौके पर ईद अज के मौके पर उस तरह हमको चाहिए कि अपने नफ़ की भी कुर्बानी करें अपने नफ़ को भी जबा करें ये अपनी जो ख्वाहिशात है जो अपनी जो मैं है हमारे अंदर से ये बह निकल जाए हमारे अंदर से हम जानवरों की कुर्बानी के साथ साथ अपनी मैं को भी हम जुबा कर दें ये मैं ना रहे अपने अंदर आज और हजरत इब्राहिम हजरत इसमाही इस वाक़ात से हमें यह दर्श मिलता है कि बंदो अल्लाह की रजा के लिए जो कुछ हो सकता हो उसके हुक्म की तामील में यानी जो उसकी रजा की खातिर हर वो चीज़ को लुटाने के लिए तुम तैयार हो जाओ ये पैगाम हज़रत इब्राहिम इब्राहीम हज़रत इसमाहीसमाम की कुरबानियों से हमें मिलता है ये चंद बातें आज हम आज इस मौजू की मुनासिबत से आपके सामने रखे और दुआ रब्बुल आलमीन के बारगाह में परवरदिगार आलम मेरे मौला हम सबको खलूस नीयत के साथ खलूस नीयत के साथ कुर्बानी करने वाला बना और हमारे तमाम मामल को आसान फरमा वमा अलैना बलाग वाखिरु दावाना अनिल अलबलाख रब्बिल आलमीन